हेलो गाइस दिस इज एडी एंड यू वाचिंग हिंदी ओटाकू तो तो आखिर मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की नहीं नहीं रुको रुको एक्सक्यूज़ है मेरे पास वो भी एकदम लेजिट कानूनी कभी छाले का नाम सुने माउथ अल्सर्स ये जब तुम्हारे मुंह में हो जाते हैं ना भैया वर्णमालाएँ निकलती नहीं है बाहर हर सेकंड ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान का ये मुंह बनाया ही क्यों है क्या कारण क्या है इस मुंह को बनाने का ऐसे ही रहने देता छाले तो नहीं होते यार कम से कम बस कुछ इसी तरह की सोच को लेकर मैंने इतने दिन स्पेंड अर्थात व्यतीत किए हैं एंड नाउ फाइनली आई एम बैक सो गाइज टूडे वी आर गो नॉट टॉक अबाउट आई मीन फाइनली एट लास्ट वी आर गो नॉट टॉक अबाउट दिस मैन या दिस मैन विथ लिटरली अ चंदा मामा ऑन हिज हैड आज हमारे टकले चाचा की बात करने वाले हैं सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स बिगेन

टेगराइज एज एक्शन कॉमेडी एंड सुपर हीरो टाइप सो लेट स्टार्ट विथ शॉर्ट ओवर यू अपलॉट जहां शुरुआत में हमें ये दिखाई देता है और फिर कुछ देर बाद ये और ये ये इसके चरणों के दर्शन नहीं मतलब एक चीज क्लियर करो मुझे ऐसे कैसे मतलब कोई रहता ही नहीं है जब वहां तो बिल्डिंग किसके लिए बनाई गई है बिल्डिंग ऐसे ही गिर रहे हैं सब कुछ ऐसे ब्लास्ट हो रहा है और यहाँ जोकोविया की भी एक बिल्डिंग गिराने पर इन सबकी क्लास लग गई दोस्त, दोस्त हाइट तो देखो ओ भैया मतलब वे बिग भी मजाक लगेगा तुम्हें खैर तो ये बंदा जो कि मुझे एकदम मतलब एकदम सच्ची मुच्ची कुच्ची गुच्ची ड्वेन जॉनसन की याद दिलाता है आस्किंग अरे बाल थे दोनों के पहले अब नहीं है केस क्लोज इट इज एज सिंपल एज दैट तो अब हमारे भाई साहब रोजाना 100 पुशअप 100 सीटअप 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग करके तीन साल में थे जैसे मेंढक को भी हराने लायक बन चुके हैं इसको देख के ना ये रूटीन कोई भी फॉलो मत कर ले नहीं तो बाल तो जाएंगे ही तुम्हारे उल्टा के हीरो आलोम ना बन जाओ तुम एडी एडवाइस <laughs> सोच रहा हूँ एक और कैटेगरी लाई लूं चैनल में

मुझे भी नहीं पता बट आई डैम श्योर कि उनका मकसद ना दुनिया पे कब्जा करना ही रहता होगा मतलब पक्का है लिख के रख लो सो so, साइताम और जेनोस के अलावा इस स्टोरी में और कई कैरेक्टर्स जैसे खैर छोड़ो यार बहुत सारे हैं। खुद देख लेना बट आई लिटरली लर्ड सम कैरेक्टर्स सच एज सोनिक सोनिक बैंग गौरव this guy this guy is just on another level i mean without any hesitation i can say i liked him so much i liked him more than saitama if we talk about some controversies then this anime season one was created by madhouse where we were introduced saitama his powers hero association etc etc and then season two was made by jc staff and then people start criticizing the animation studio for their animations storylines etc etc because saitama's role in this season is very ज्यादा कम था बट फॉरगेट द फैक्ट दैट दिस सीजन वॉज स्पेशली मेड टू इंट्रोड्यूस सम मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम हीरो एसोसिएशन एज वेल एज गौरव इस बंदे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया ना मतलब वर्ड्स नहीं है यार मेरे पास इस कैरेक्टर से इतना ज्यादा लगाव हो गया ना मुझे कि मैं इस चैनल पर कैरेक्टर एनालिसिस शुरू करने वाला हूँ और फर्स्ट वीडियो

यार जैसा कि हम सभी को पता है कि इस एनिमे का टाइटल है वन पंचमैन और इससे क्लियर होता है कि साइतामा अपने सिर्फ वन पंच से किसी भी मॉन्स्टर को हरा देता है मैटर नहीं करता वो मॉन्स्टर कितना पावरफुल है स्टिल इस एनिमे को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया मैं ये नहीं कहूंगा कि सीजन वन या सीजन टू एंटायर एनिमे को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया ना कि यह सब डिसाइडेड है कि साइतामा हरा देगा सामने वाले को वो भी एक पंच से लेकिन फिर भी वो जो फ्लो था ना जो एक्शन सीन्स थे जो एक्शन सिक्वेंस थे स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम उन सभी फाइट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं हमें पता है कि साइतामा जीतेगा उस फाइट को इतने क्लियर और इतने और बढ़िया तरीके से बनाया गया ना कि मतलब हम हर पार्ट को एंजॉय करते हैं और जरा भी हमें बोरिंग नहीं लगती कोई भी चीज तो यार पूरे एनिमे में सबसे पावरफुल हीरो था नन अदर देन मोमेले राइडर वोज मूव्स आर डैम परफेक्ट not be bullied by that yeah well at least he tried his best. My most favorite part from season one is that test scene of hero association and Janos versus Saitama and from season 2 that last moment of martial art fight scene both were amazing not forget to mention the animation and amazing background music and specially saitama entry scene every time that music just ah. <laughs>

वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उठा उसके साथ शेयर करो और यार यार करो यार सपोर्ट करो इस चैनल को बस और कुछ नहीं सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस आई जस्ट हैव एन डाउट ये uh, इंडिया का कौन सा बिजनेस स्टार्ट हुआ जापान में